हेलो ऑल ऑफ यू, माय सेल्फ तन्मय गुप्ता, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री कल्चर। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेरी वेल। बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ रहे होंगे और जितने भी हमारे केमिस्ट्री कल्चर के लेक्चर्स हैं आपको समझ आ रहे होंगे, आपको अच्छा लग रहा होगा उनको पढ़ते हुए, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक और सॉलिड क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि है हमारा ए टू बी टाइप स्ट्रक्चर, ए टू बी टाइप स्ट्रक्चर, जिसके रिगार्डिंग हम लोग पढ़ेंगे Na2O का स्ट्रक्चर टाइप, ठीक। बेसिकली हम लोग इसमें पढ़ेंगे Na2O स्ट्रक्चर, ओके। Na2O स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट्स। आप सबको यहां पे दिख रहा होगा कैटायन टू एनायन रेशियो क्या है। कैटायन टू एनायन रेशियो यानी कितने कैटायन्स पर कितने एनायन्स प्रेजेंट है। एक कैटायन, एक एनायन है हमारा और दो कैटायन, तो कैटायन टू एनायन रेशियो क्या होगा, 2:1, ठीक। कैटायन टू एनायन रेशियो होगा 2:1। अब हम लोग बात करते हैं कि Na2O किस टाइप का स्ट्रक्चर, किस टाइप के लैटिस का फॉर्मेशन करता है। तो Na2O फॉर्म्स FCC टाइप अरेंजमेंट, ठीक है ना। जो भी हमारा Na2O है वो FCC टाइप अरेंजमेंट को प्रेफर करता है, FCC टाइप अरेंजमेंट को बनाता है, FCC टाइप अरेंजमेंट को फॉर्म करता है। अब हम लोग को जानना है कि FCC टाइप स्ट्रक्चर को तो फॉर्म करता है Na2O, बट FCC टाइप स्ट्रक्चर में कौन सी चीज फॉर्मेशन करती है यूनिट सेल का, और कौन सी चीज, कौन सा आयन प्रेजेंट होता है उसकी वॉइड्स में। तो हम सबको पता है कि जो आयन, जिस आयन का साइज बड़ा होता है वो आयन हमारा फॉर्मेशन करता है लैटिस का, वो आयन हमारा फॉर्मेशन करता है यूनिट सेल का, ठीक है ना। तो Na2O में, ठीक, Na2O में फॉर्मेशन ऑफ लैटिस साइड, लैटिस क्रिस्टल मतलब फॉर्मेशन ऑफ यूनिट सेल या फॉर्मेशन ऑफ लैटिस कौन करेगा। O2- आयन फॉर्म्स FCC और CCP, ये दोनों चीजें एक ही है, FCC और CCP, ठीक। टाइप अरेंजमेंट, ठीक है ना। तो ये जो O2- आयन है यानी जो हमारा एनायन है, एनायन हमेशा नहीं बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस एनायन इज लार्जर इन साइज देन कैटायन, बट इसका हम लोगों ने एक एक्सेप्शन भी अभी इस लेक्चर से पहले वाले लेक्चर में पढ़ा हुआ है, ठीक, जो कि हमारा हमने पढ़ा था किसके बारे में, CaF2। CF2 के क्रिस्टल में हम लोग पढ़े थे कि हमारा कैटायन्स फॉर्म करता है लैटिस को, ठीक है ना, बट वो एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है ना। तो हमारा लैटिस साइट कौन फॉर्म करेगा, लैटिस क्रिस्टल का फॉर्मेशन कौन करेगा, हमारा एनायन जो कि है O2-, ठीक। अब एनायन जब हमारा लैटिस की फॉर्मेशन करेगा तो कैटायन हमारा कहां प्रेजेंट होगा, Na पॉजिटिव आयन ऑक्यूपाइज। अब देखो यहां पे एनायन मतलब कैटायन टू एनायन रेशियो कितना है, 2:1, मतलब जितने एनायन है उसके जस्ट डबल कैटायन की प्रेजेंस होगी, जितने एनायन की प्रेजेंस है यूनिट सेल के अंदर उसके जस्ट डबल कैटायन्स की प्रेजेंस होगी। तो कौन सी वॉइड ऐसी है जिसका नंबर जस्ट डबल होता है क्रिस्टल से, एंड नंबर ऑफ कैटायन्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल से जस्ट डबल नंबर कौन सी वॉइड्स का होता है, वो होती है हमारी टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है ना। तो जो भी हमारा Na पॉजिटिव आयन है यानी जो हमारा कैटायन है वो ऑक्यूपाई करेगा टेट्राहेड्रल वॉइड्स को, टेट्राहेड्रल वॉइड्स को, ठीक, वो हमारा फॉर्म करेगा टेट्राहेड्रल वॉइड, ओके। नाउ अब बात करते हैं हम लोग नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल। अच्छा, हम लोग ये देख लिया कि O2- आयन हमारा FCC की फॉर्मेशन कर रहा है और Na+ ऑक्यूपाइड टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो सबसे पहले बना लेते हैं यूनिट सेल, बनाते हैं उसमें देखते हैं, ठीक। दिस इज आवर यूनिट सेल,
ये हो गई हमारी यूनिट सेल। अब एफसीसी की फॉर्मेशन कर रहा है हमारा एनायन, यानी O2 माइनस आयन, तो कहां कहां पर प्रेजेंट होगा? एक तो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होगा, सभी कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होगा, और फेस सेंटर्स पे, सभी फेसेस के सेंटर्स पे प्रेजेंट होगा। ओके, ये हो गया हमारा यूनिट सेल जो कि एफसीसी यूनिट सेल है, जो हमारा O2 माइनस आयन फॉर्म कर रहा है। एनए पॉजिटिव आयन ऑक्यूपाइज टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पे प्रेजेंट होती है? बॉडी डायगोनल पे। अगर हम लोग ये बॉडी डायगोनल मान लें इस से इस तरह, दिस इज अ बॉडी डायगोनल। आप अगर अपने रूम को क्यूब मानो तो उधर वाले अपर कॉर्नर से आपके साइड वाला लोअर कॉर्नर पे अगर एक लाइन खींच दी जाए बीचों बीच से, ठीक है ना, इस तरीके से, तो वो एक बॉडी डायगोनल होगा आपके रूम का। ओके, तो बॉडी डायगोनल पे हमारी प्रेजेंस होती है, और एक बॉडी डायगोनल पे दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, एक यहां कहीं पे और एक इधर कहीं पे, ठीक है ना। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स हम सबको पता है कि चार एटम से मिलकर बनती है। ओके, तो ये चीज हम लोग समझ गए। अब बात करते हैं हम लोग नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट पर यूनिट सेल, कितने आयन प्रेजेंट होंगे एक यूनिट सेल के अंदर। सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर ऑफ O2 माइनस आयन, और उसके बाद बात करेंगे हम लोग नंबर ऑफ Na प्लस आयन। अब O2 माइनस आयन हमारा देखो FCC की फॉर्मेशन कर रहा है, FCC की फॉर्मेशन कर रहा है हमारा O2 माइनस आयन, यानी जो कि हमारा एनायन। तो FCC में प्रेजेंस कहां कहां होती है? पहला प्रेजेंस होती है कॉर्नर्स पे, जो कि हमारे आठ कॉर्नर्स होते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 एक यूनिट सेल के अंदर, और छह फेसेस होते हैं, सिक्स फेसेस, और जिनका कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। तो ये कितना हो गया? 1+3 = 4, दिस इज 3, दिस इज 1, 1+3 = 4। अब नंबर ऑफ Na प्लस आयन, नंबर ऑफ Na प्लस आयन देखो, सबसे पहले तो A2B टाइप स्ट्रक्चर है, यानी कैटायन टू एनायन रेशियो 2:1, तो जितने एनायन होंगे उसके जस्ट डबल कैटायन होंगे, ठीक। लेकिन इस चीज से हम लोग देख सकते हैं तो 4 एनायन है, उसके जस्ट डबल 8 कर दो। बट अगर हम लोग लॉजिकली समझें, अगर हम लोग लॉजिकली समझें तो 4 एनायन आर प्रेजेंट पर यूनिट सेल, ठीक, 4 एनायन प्रेजेंट होते हैं। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होती है? टेट्राहेड्रल वॉइड्स जस्ट डबल होती है किसी भी एटम जो भी प्रेजेंट है यूनिट सेल के अंदर, ठीक है ना। तो चार एटम, अगर चार आयन हमारे O2 माइनस के प्रेजेंट हैं, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स जस्ट डबल होती हैं, यानी Na पॉजिटिव कितने प्रेजेंट होंगे? जस्ट डबल, यानी 4 × 2 दिस इज 8। समझ आई ये चीज? ओके, ठीक है ना, इतनी चीजें समझ आई, इतनी बात समझ आई, ठीक। अच्छा, अब एक और चीज को ध्यान में रखते हुए एक और चीज की बात कर लेते हैं, ठीक। इतनी चीज आपको समझ आ गई होगी, आई होप सो। बात करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर की, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ O2 माइनस आयन एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस आयन, ठीक। अब अगर Na प्लस आयन की बात करें, Na प्लस आयन यानी अगर हम लोग कैटायन की बात करें, तो कैटायन हमारा किसमें प्रेजेंट है? टेट्राहेड्रल वॉइड में। टेट्राहेड्रल वॉइड में अगर कैटायन की प्रेजेंस है, तो हम सबको पता है, हम सब जानते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड हमारा चार एटम से मिलकर बनता है, कोई भी चार एटम से मिलकर बनता है। और कोऑर्डिनेशन हमारा क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही होता है जितने एटम्स किसी एक एटम को टच कर रहे हो आसपास से, कितने एटम्स घेरे हुए हैं किसी एक एटम को या टच कर रहे हैं, वो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स जब हम लोगों की चार एटम्स से मिलने से बन रही है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर Na प्लस का कितना हो जाएगा? चार, क्योंकि चार ही तो O2 माइनस आयन कवर करेंगे ना, बनाएंगे ना, ठीक। देखो ये अगर हमारी टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो इसमें कंट्रीब्यूशन कौन कौन करेगा? एक तो ये वाला आयन करेगा, ये वाला O2 माइनस, एक ये वाला O2 माइनस, एक ये वाला O2 माइनस, और एक ये वाला O2 माइनस, ये है हमारी टेट्राहेड्रल वॉइड। तो चार एटम से मिलके बन रही है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी हो जाएगा हमारा 4, ठीक।
अब देखो हम लोग बात करते हैं पार्टिशन नंबर ऑफ O2 माइनस आयन। अब O2 माइनस आयन अगर हम लोग ये वाला ले लें, लेट ये वाला हम लोगों ने O2 माइनस आयन ले लिया। अब एक सॉलिड में सिर्फ एक यूनिट सेल की प्रेजेंस तो होती नहीं है, एक सॉलिड में बहुत सारी यूनिट सेल होती है, एक के बाद एक लगी होती है एक साथ, यानी आगे पीछे ऊपर नीचे हर यूनिट सेल के एक यूनिट सेल प्रेजेंस होगी। तो अगर हम लोग इस वाले कॉर्नर वाले O2 माइनस आयन की बात करें तो हर एक जो हमारा कॉर्नर वाला एटम होता है वो 8 यूनिट सेल से शेयरिंग करता है, 8 यूनिट सेल से शेयर करता है कंट्रीब्यूशन उसका, तभी तो बन रहा है 8 कंट्रीब्यूशन आता है ना कॉर्नर के एटम का, क्योंकि वो 8 यूनिट सेल से शेयरिंग करता है। ठीक, तो अगर 8 यूनिट सेल से शेयरिंग करता है और हर यूनिट सेल में यहां पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंस है और वहां पर एनए पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8 यूनिट सेल है, 8 एनए प्लस है, 8 एनए प्लस एक O2 माइनस आयन को घेरे होंगे, तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 8। ठीक है ना, एक तो ये वाला हो गया, एक इसके पास वाला यहां पे होगा, एक पीछे वाले में होगा, एक इसके पीछे वाले में होगा, इस वाले पीछे वाले में, फिर ऊपर वाले में, फिर इधर साइड वाले में। ठीक है, और उसके बाद ऊपर वाले के जो पीछे वाले हैं उनमें भी होगा। ठीक है, तो ये 8 कंट्रीब्यूट करता है, 8 यूनिट सेल से एक कॉर्नर का एटम कंट्रीब्यूट करता है, और आठों में अगर यहां पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे हमारे कैटायन की प्रेजेंस है तो भैया कोऑर्डिनेशन नंबर 8 ही तो हो जाएगा। अब इस चीज को याद कैसे रखें, देखो यहां पर देखो नंबर ऑफ O2 माइनस आयन कितने हैं, 4, बट कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8। ठीक, नंबर ऑफ O2 माइनस आयन इज 4 बट कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8, एंड हियर नंबर ऑफ Na प्लस आयन इज 8 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। मतलब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है तो नंबर ऑफ आयन्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल 4 हो जाएंगे, और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो नंबर ऑफ Na प्लस आयन जो भी आयन हमारा प्रेजेंस है वो 8 हो जाएगा, मतलब जस्ट अपोजिट, अगर 4 है तो 8 हो जाएगा, 8 है तो 4 हो जाएगा। ठीक है ना, इस चीज से हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कुछ इसके एग्जांपल्स की। ठीक, एग्जांपल्स की बात मतलब एग्जांपल्स किस तरीके से, जो भी स्ट्रक्चर्स Na2O टाइप स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं वो एग्जांपल्स। ठीक है ना, उन एग्जांपल्स को हम लोग देख लेते हैं। तो पहला हमारा K2 Li2O Na2S Na2O है यहां ना, Na2S K2S एक्सेट और भी बहुत सारे हैं। ठीक है ना, तो ये सारे कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जो Na2O टाइप स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। ठीक, तो ये हो गए हमारे पूरे Na2O टाइप स्ट्रक्चर की बात, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में जो कि आपको जानने जरूरी है। अब देखो इस चीज का एक सबसे अच्छी चीज जो कि मैं बताने वाला हूं आपको, ठीक है ना, जो भी मैं एक बहुत ही बढ़िया चीज बताने वाला हूं वो Na2O टाइप स्ट्रक्चर के बारे में, जो इसका है एक्चुअल कॉमन नेम विच इज एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ठीक है ना, ये है हमारा एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को हम लोग एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर से भी जानते हैं। फ्लोराइड स्ट्रक्चर हमारा क्या था, फ्लोराइड स्ट्रक्चर क्या था, CaF2 इज फ्लोराइड स्ट्रक्चर, बट Na2O इज एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ठीक है ना, ये है हमारा एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। आपको क्वेश्चन Na2O टाइप स्ट्रक्चर से नहीं आएगा, आपको क्वेश्चन आएगा एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर के नाम से। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर का जिक्र होगा, Na2O टाइप स्ट्रक्चर नहीं लिखा होगा वहां पे, ठीक है ना, ना ही A2B टाइप स्ट्रक्चर लिखा होगा। क्वेश्चन जनरली आपके एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर से आते हैं। ठीक है ना, तो ये रहा हमारा पूरा Na2O टाइप स्ट्रक्चर की बात। आज की सेवाएं करते हैं समाप्त, आज का लेक्चर एंड। आई होप आपको समझ आया होगा, कुछ क्वेरीज हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पर मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है। ओके, ठीक है ना, तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स। ठीक है ना, आपको नए अपडेट्स मिल जाए उसके लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।
ठीक है ना। तो भैया कर दो सब्सक्राइब, मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को भी काम करने का, ठीक है ना, और अच्छा वर्क आपके सामने रिप्रेजेंट करने का, आपको और कुछ नया नया सिखाने का, ठीक है ना। और तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने नए नए लेक्चर के साथ। ओके, तब तक के लिए जय हिंद।